आप लोग को अपडेटेड रॉड देखना। अरे सिर्फ मत करना, करेंगे यार। मेरा तो आपका ऐसे क्या रिएक्शन है, और क्या आपको भी यार? नहीं, मैं नहीं चाह रही थी पर्सनली, बट वो बहुत एक्सपेक्टेड था मुनव्वरका जीतना, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी फैंडम है, यू नो, इतनी फैन फॉलोअर्स है। तो और ठीक है, वो जीते हैं, बढ़िया है, बट डिजर्विंग मुझे नहीं लगता था। मैं घर के अंदर भी अक्सर ये बोलती थी कि डिजर्विंग मतलब जिनका बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत नेसेसरी है, यू नो, तो उस हिसाब से मुझे नहीं। तो आपके हिसाब से कौन मेरे हिसाब से यार अंकिता जी वर्स्ट डिजर्विंग वन, क्योंकि उनकी तो पूरी पर्सनल लाइफ ही खुल चुकी थी कि उनकी मैरिड लाइफ में भी इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, प्लस वो गेम भी साथ में मैनेज करे, तो उनकी जर्नी भी कोई आसान नहीं रही थी, बहुत टफ रही थी। सबकी जर्नी यार अपनी अपनी जगह बहुत टफ रही है, बट हाँ मेरे हिसाब से मुझे लगता है आपको ऐसा लगा कि मुनव्वर ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है या फिर ऐसे जबरदस्ती उनको जिताया? या जबरदस्ती जिताया गया मैं नहीं बोलूंगी, कि फैंस के बदौलत उनको जिताया गया है, डेफिनेटली जबरदस्ती तो नहीं, बट हाँ इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं थी। जैसे कि अभी जो डोंगी आपने विनिंग मूवमेंट देखा, हाँ हाँ डोंगी में जो उसके खिलाफ भी FIR हुआ है कि ऐसा मतलब वो लीगली नहीं। देखो आप लोग ही बता रहे हो यार, ऐसे मुझे ऐसा लगता है, पता है क्या, कि मुनव्वर को भी नहीं पता होगा कि ऐसा कुछ इंतजाम या ऐसा कुछ सेटअप, इतनी भीड़ भाड़ वहाँ पे लगने वाली है। मुनव्वर पहुंचा होगा और उसने देखा, तो यार ऐसे कुछ कर नहीं सकते हैं, मतलब लोग उसको इतना अगर प्यार करते हैं तो ही इज ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ फैंस एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर। जैसे कि आपने बोला कि अंकिता जैन का भी पर्सनल लाइफ काफी खुल चुका था, आपका भी पर्सनल लाइफ खुल चुका था, अभी अभिषेक ने भी रिएक्शन दिया है, उनसे जब पूछा गया कि आप अभिषेक फिर से रहना चाहेंगे, बात करेंगे अभी, तो उन्होंने डायरेक्ट बोला नहीं मिलना चाहूंगा, तो इसके आपका क्या, आप उनसे मिलना चाहेंगे यार? नहीं नहीं, ऑब्वियसली मतलब इतना सब कुछ होने के बाद हम लोग क्यों ही एक दूसरे को फेस करना चाहेंगे, नहीं, बट मेरी तरफ से ऐसा भी नहीं है कि वो अगर आज मेरे सामने से क्रॉस कर रहे तो मैं मुंह बोल लूंगी या मुंह बना लूंगी। मैं कॉर्डियल बिहेवियर सबके साथ, अंदर के हर एक कंटेस्टेंट के साथ रखना चाहूँ। जैसे कि आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर कोई सामने से नहीं बात करता लेकिन उदास है, तभी भी उनके सामने कुछ सॉरी बोलती आपकी बात करती। हाँ मेरा वो नेचर यार अभी भी, मतलब मुझे पता है कि अंदर यू नो मनारा और मेरी बहुत अलग लेवल पे झगड़े हुए हैं, बहुत लड़ाई हुई है, पर अगर मनारा भी मुझे दिख जाएगी सामने से मैं चली जाऊंगी उसको हाय बोलेगी, हाय मनारा वो सब आ गई। मुझे लगता है कि आप ना बहुत लंबे टाइम तक ज्यादा ग्रजेस पाल के नहीं रख सकते, और अच्छा भी नहीं है, आगे बढ़ जाना चाहिए। तो अभी जब मनारा बाहर है या फिर आप लोग का कुछ बात नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि मैं भी अपने प्रोजेक्ट्स में लगी हुई हूँ, आई एम श्योर मनारा भी अभी फिनाले करके बाहर आई है तो वो भी बिजी ही होगी, बट अब मैं करूंगी कॉन्टैक्ट मनारा से, डेफिनेटली मिलेंगे, बातचीत करेंगे। जैसे कि अभी खबर आ रही कि अभिषेक को खतरों के खिलाड़ी मिला है, उसमें जाने वाले हैं, तो उन्हें आप क्या कहना? मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगी, अगर ऐसा है तो मुझे नहीं पता है कि एक्चुअल ऑफिशियल न्यूज क्या है, पर आप लोग अगर बता रहे हो तो ऑल द बेस्ट टू अभिषेक। इसी के साथ अगर आपको भी खतरों के खिलाड़ी में अभी इसी वक्त चांस मिलता है अभिषेक के साथ फिर से मुलाकात होगी, वही यार मैं मुलाकात से ऐसे डरती नहीं हूँ मैं, आप वो तो आपने देखा ही होगा बिग बॉस में, मुझे किसी चीज से ऐसे डर नहीं लगता कि अरे बाप रे ये फेस करना पड़ेगा। मैं कभी भी सिचुएशन से भागने में बिलीव नहीं रखती हूँ, क्योंकि आप भाग कब तक ही भागते रहोगे, कभी ना कहीं वो एक सर्कल लेके आपके सामने फिर आ ही जाएगी सिचुएशन, सो आई थिंक आप फेस करो उसको स्ट्रांगली, वो ज्यादा बेहतर है। मेरे पास अगर आज भी ऑफर आता है मैं हाँ करूंगी, ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू से यस। अंकिता लोखंडे भी बोल रही थी कि मैं जो वोटिंग हुआ था मैं वो चेक कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे इंटरव्यू चालू है, जल्दी आ जा एक्सप्रेस एक्सप्रेस में, एक्सप्रेस में जल्दी आ जा, इंटरव्यू चालू है ठीक है ईशा का। अबाउट ऑडियंस, आप अंदर हो लेकिन बाहर आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं, आपके ऊपर अपना एक जजमेंट क्रिएट कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, तो आई थिंक जनता कभी भी अनफेयर नहीं हो सकती है। आई थिंक जो भी हो यार जनता के डिसीजन के हिसाब से हुआ है, तो अभी आप किससे ज्यादा मिलना चाह रहे हैं या फिर यार? ऐसा कुछ नहीं, मैंने अभी बोला ना आपको, मुझे सब लोग भी अगर मिलेंगे ना यहाँ पे, अगर वो 17 के 17 लोग भी मुझे खड़े हुए दिखेंगे मैं सबके पास जाऊंगी और मैं सबसे अच्छे से ही बात करूंगी। ऐसा मेरा नेचर है ही नहीं कि मैं मुंह बना के निकल जाऊँ या उनको देखूँ ना, तो ऐसे मैं किसको अवॉइड या इग्नोर नहीं करूंगी, बट हाँ अगर क्लोज रिश्तों की बात की जाए तो आई थिंक मैं विक्की भाई और अंकिता जी से ज्यादा क्लोज फील करती हूँ। अभी तक उनसे आप मिले नहीं? मैं मिलती हूँ उनको, मैं तो उधर मिलती हूँ।
और मैं पहले पूछना चाहूंगी कि अब इसके बाद यार मन तो हाँ ऑफकोर्स मन तो मेरा ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स करने का जितने भी आ रहे हैं मेरा मन होता है मैं सब कर लूँ, पर देखती हूँ अभी चल रही है बातचीत हो रही है कहाँ कब जाना है क्या करना है आपके पास तो खबर आ ही जाएगी मैं नहीं भी बताऊंगी तो सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हाँ बहुत है यार बहुत अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है बट आप लोग बस आशीर्वाद दो और जय माता दी सारी चीज अच्छे से हो जाए बढ़िया से हो जाए। यार एमसी स्टैंड और मुनव्वर जब एमसी का सीजन था तब से ही वो लोग काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स रहे हैं बहुत ही एविडेंट रहा है सोशल मीडिया पे भी। जब स्टैन अंदर था तब मुनव्वर ने उनको काफी सपोर्ट किया है एंड सेम वॉज फॉर मुनव्वर की जब मुनव्वर अंदर था तो स्टैन ने भी काफी हद तक सपोर्ट किया उनको। हाँ हाँ एमसी स्टैन वॉज देयर इन द फिनाले और बढ़िया यार बॉन्ड भी उनका बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है उनकी सो हाँ सपोर्ट था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।